कभी कभार सवाल में हो सकता है कि स्क्रेप वैल्यू नहीं हो. और कभी कभार लाइफ की जगह पे वो परसेंटेज भी दे देता है तो आपने क्या करना है कॉस्ट में से स्क्रेप वैल्यू माइनस करके मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज से अच्छा कभी कभार हो सकता है सवाल में स्क्रेप वैल्यू नहीं हो तो आपने कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज के साथ फिर मैंने ये बताया था कि इसको स्ट्रीट लाइन मेथड क्यों कहते हैं तो हमने डेप्रिसिएशन पहले साल की निकाली यहाँ एग्जाम्पल दी थी मैंने आपको दो लाख रुपए की कि दो लाख की हमारे पास कॉस्ट है लाइफ है फोर इयर्स स्क्रैप वैल्यू है ट्वेंटी थाउजेंड स्क्रैप वैल्यू क्या होती है कि यूजफुल लाइफ पूरी होने के बाद यूजफुल लाइफ पूरी होने के बाद जब उसको हम सेल करेंगे तो वो कितने का सेल आउट होगा उसको हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू ये हम क्यों माइनस करते हैं क्योंकि ये पैसे मिल जाएंगे हमें डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वो पैसे जो नहीं मिलने वाले वो फायदा जो आपने इस्तेमाल कर लिया तो जो मिलने वाला है वो हम इसलिए माइनस कर देते हैं दो लाख हमारा खर्चा आया था और दो लाख में से बीस हजार हमें मिल जाएगा एट दी एंड तो इट मीन एक लाख अस्सी हजार जो है जो हमें नहीं मिलने वाला वो हमें डेप्रीशियट करना है ठीक है उसको डिवाइड करना है फोर से तो हमने फोर से डिवाइड किया तो ये आ गया फोर्टी फाइव थाउजेंड पहले साल का अच्छा यही फॉर्मूला होगा नेक्स्ट ईयर के लिए नेक्स्ट ईयर का फोर्टी फाइव थाउजेंड उसके बाद फोर्टी फाइव थाउजेंड उसके बाद फोर्टी फाइव थाउजेंड तो आपने देखा होगा पहले साल का भी 45 दूसरे साल का भी 45 तीसरे साल का भी 45 चौथे साल का भी 45 तो इफ अ बिजनेस इज यूजिंग सिंगल मशीन सिंगल मशीन तो उसका फिर क्या होगा हर साल सेम ही रहेगा इसीलिए इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं और स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं अब आगे चलते हैं अब मैं एग्जाम्पल करके समझा रहा हूं एक तो ये बात जहन में बिठा लें कि डेप्रिसिएशन हमेशा ईयर एंड पे अप्लाई की जाती है ये बात नोट कर लिया डेप्शन कब अप्लाई की जाती है हमेशा ईयर एंड पे अप्लाई की जाती है ये नोट डाउन कर लें डेप्रिसिएशन हमेशा ईयर एंड पे अप्लाई की जाती है सर ईयर एंड का मतलब क्या अकाउंटिंग ईयर एंड मशीन का नहीं कि अगर मैंने मशीन एक जुलाई को खरीदी है तो उसके साल पूरा हो जाएगा थर्टी जून को नेक्स्ट ईयर नहीं ऐसा नहीं बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर अगर हमारे बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर फर्स्ट जनवरी से स्टार्ट होता है और एंड होता है थर्टी फर्स्ट दिसंबर पे तो हम क्या करेंगे जो हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड है हम उसपे लगाएंगे डेप्रिसिएशन डेप्सन हमेशा एडजस्टमेंट है साल के आखिर में की जाती है बिजनेस के साल के आखिर में मशीन के साल के आखिर में नहीं ठीक है अच्छा जी और दूसरी बात डेप्रिसिएशन हर साल लगेगी डेप्रिसिएशन हर साल लगेगी अगर एक मशीन आपके यूज में है तो डेप्रिसिएशन हर साल लगेगी एक्सेप्ट जब वो फुली डेप्रिशिएट हो जाए या उसकी यूजफुल लाइफ पूरी हो जाए ऐसा नहीं है मैंने एक मशीन पे एक साल डेप्सन लगाई तो अगले साल नहीं लगाऊंगा नहीं ऐसा नहीं है आपने हर साल लगानी है ये दो पॉइंट याद रखिएगा डेप्सन हम कब लगाते हैं साल के आखिर में मशीन के नहीं बिजनेस के साल के आखिर में मैं जरा आपको गाइड करता हूं क्या मतलब है अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको कि हमने दो मशीन खरीदी हमने एक मशीन ए ली और एक मशीन बी ली ठीक है मैं सिंप्लीफाइड कर रहा हूं सवाल को थोड़ा सा मशीन ए की जो कॉस्ट थी हमारे पास वो थी वन लैख मशीन ए की कॉस्ट थी वन लैख मशीन बी की कॉस्ट थी थ्री लैख ठीक है और से देखिएगा मशीन ए की कॉस्ट थी वन लैख मशीन बी की कॉस्ट थी थ्री लैख हमने जो मशीन ए खरीदी थी ये खरीदी थी फर्स्ट जनवरी 2011 को हमने ये बाई की थी कौन सी मशीन ए बाई की थी और ये वाली जो मशीन बी है ये हमने बाई की थी फर्स्ट मार्च बल्कि मैं सवाल को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं हमने दूसरी मशीन बाई की थी फर्स्ट जनवरी 2012 को बाई की थी कौन सी मशीन बी बाई की थी ठीक है अच्छा जी डेप्रिसिएशन जो रेट है हमारे पास वो है टेन परसेंट कभी कभार वो इसके आगे लिख देगा स्ट्रेट लाइन मेथड में एस एम लिख देता हूं एस एम का मतलब क्या है स्ट्रेट लाइन मेथड। या वो लिख देगा टेन परसेंट ऑन कॉस्ट टेन परसेंट ऑन कॉस्ट इसके आगे लिख देगा डेप्सन हमारी क्या 10 है टेन परसेंट ऑन कॉस्ट अब रिक्वायरमेंट में वो कहता है रिक्वायरमेंट के अंदर वो आपसे कहता है कि ये बताएं कि मालूम करें, करेंशन मालूम करें एट थर्टी दिसंबर दो हजार ग्यारह और इसी तरीके से डेप्रीसी मालूम करें एट थर्टी फर्स्ट दिसंबर दो हजार बारह ये बताएं हमारी डेप्रिसशन कितनी आ रही है मशीन ए की मशीन बी की एट थर्टी फर्स्ट दिसंबर दो हजार ग्यारह एंड दो हजार बारह ठीक है अच्छा जी अगेन इन फॉर्मूला देख लें एक बार अगर सवाल में स्क्रेप वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ठीक है नॉर्मली ये वाला बहुत यूज होता है अगर परसेंटेज दी हुई है तो ये परसेंटेज अगर दिए तो कॉस्ट डिवाइड लाइफ ठीक है अच्छा जी अब इस सवाल को करना कैसे तो हम ऐसा कर लेते हैं आसान बनाने के लिए हम दो कॉलम बना लेते हैं एक हम बना लेते हैं मशीन ए का कॉलम एक हम बना लेते हैं मशीन बी का कॉलम एक हम बना लेते हैं टोटल का कॉलम टोटल का कॉलम क्यों बना रहा हूं क्योंकि हम आगे डेप्रिसिएशन की एंट्री जब रिकॉर्ड करेंगे ना वो टोटल के हिसाब से होती है कैलकुलेट करते हो भले आप अलग अलग निकाल लें लेकिन जब हम अकाउंट बनाएंगे ना आगे, आगे मैं समझा रहा हूँ वहां हमें टोटल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी होती है ठीक है तो अभी समझ लें तो हमारा साल का बेंड हो रहा है थर्टी फर्स्ट दिसंबर तो सबसे पहले हम लगाएंगे डेप्रीसीटी फर्स्ट दिसंबर दो हजार ग्यारह को गौर से देखिएगा गौर से ठीक है बेटा तो मशीन ए पे आते हैं ठीक है मश... स्टार्ट कब होती है जब हम मशीन परचेज करते हैं ये बात याद रखिएगा जब मैं मशीन परचेज करूंगा डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगी उस साल से और फिर हर साल लगानी है सिर्फ कब नहीं लगाते है? जब मशीन आप बेच देते हैं नॉर्मली उसके बाद नहीं लगाते और उसके अलावा जब यूजफुल लाइफ पूरी हो जाती है तब नहीं लगाते ठीक है अच्छा सो हम सबसे पहले आते हैं ए के ऊपर मुझे बताएं कि आप थर्टी फर्स्ट दिसंबर दो हजार ग्यारह ये मशीन ए मेरे पास थी यस सर थी क्योंकि हमने खरीदी कब है फर्स्ट जनवरी 2011 को खरीदी है तो हम क्या करेंगे सर बहुत आसान है हम लिखेंगे और इस को मल्टीप्लाई कर देंगे टेन परसेंट के साथ आपके पास आंसर आ जाएगा कितना आपके पास आंसर आ जाएगा टेन थाउजेंड ठीक है अच्छा जी सर मशीन बी के ऊपर आ जाए मुझे मुझे बताएं क्या मशीन बी पे डपन लगाऊंगा डेप्सन तब स्टार्ट करते हैं जब हम मशीन परचेज करते हैं जिस साल परचेज करते हैं उस साल लगाते हैं ये मशीन हमने परचेज की थी कब फर्स्ट जनवरी 2012 नेक्स्ट ईयर परचेज की थी तो क्या करेंगे मुझे बताएं लगाएंगे नहीं लगाएंगे संजना के अलावा बाकी लोग बताएं मुझे संजना मुझे पता है आप बता रही हैं संजना के अलावा बाकी लोग बताएं जी बेटा सुने डेप्रिसिएशन तब लगाई जाती है जब एक मशीन परचेज की जाती है उस साल के एंड पे लगाई जाती है अब जैसे मशीन ए मैंने कब परचेज की थी 2011 में परचेज की थी तो 2011 का जो हमारा साल एंड होगा वो एंड होगा 31 दिसंबर 2011 पे तो मशीन ए पे लगाएंगे मशीन बी जो हमारे पास है वो कब परचेज की फर्स्ट जनवरी दो को परचेज की मैंने टिक लगाया हुआ देख ले तो इसका जो साल एंड होगा वो एंड होगा 2012 31 दिसंबर 2012 हजार वहां फॉल करता है तो हम नहीं लगाएंगे मशीन बी के ऊपर ठीक है तो यहां हम डैश लगा देते हैं टोटल कितनी आई हमारे पास टेन थाउजेंड आ गई ठीक है ये हो गया हमारा पहला साल अब नेक्स्ट ईयर पे आते हैं नेक्स्ट दो हजार बारह थर्टी फर्स्ट दिसंबर दो हजार बारह सबसे पहले आ जाए हमारे पास, पास कॉस्ट कितनी आ रही है थ्री लेख आ रही है ओ मशीने के ऊपर आ जाए मशीन की कॉस्ट कितनी आ रही है वन लेक आ रही है वन लेक को मल्टीप्लाई करेंगे टेन परसेंट के साथ सर ये आ जाएगा टेन थाउजेंड सर दोबारा समझाया नहीं समझ में आया देखो डेप्सन हर साल लगती रहेगी एक बार जब लगाएगी तो फिर आप हर साल लगाते रहेंगे जब तक आप मशीन बेच नहीं देते या फिर उसकी या फिर उसकी कहना है फ्री डेपसेट नहीं हो जाता फ्री डेपसेट नहीं हो जाता ठीक है अच्छा जी सो so, आप, आपने दो हजार ग्यारह में खरीदी थी पहले साल लगा ली अब नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर भी लगेगी इसके ऊपर ये कंटिन्यूड रहेगी मैंने पहले ही बताया था कि डेप्सन हर साल लगती रहेगी कब नहीं लगाते जब मशीन को हम बेच देते हैं तो ये आगे जाके बताऊंगा मैं आपको ठीक है तो इसीलिए ये पहले साल की डेप्सन है ये दूसरे साल की डेप्सन है अब आ जाए मशीन बी के ऊपर सो तो सर मशीन बी आप आ, मशीन बी आपके पास थी ये सर हमारे पास थी तो मशीन बी की कितनी कॉस्ट आ रही है हमारे पास थ्री लेख आ रही है तो थ्री लेख को आप मल्टीप्लाई करें टेन परसेंट के साथ ये कितना आ जाएगा थर्टी थाउजेंड आ जाएगा और इन दोनों को आप टोटल कर लें टेन थाउजेंड प्लस थर्टी थाउजेंड ये कितना हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा फोर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड हमारे पास टोटल आ जाएगी की यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है जी मैं दोबारा बताऊ देखो कोई इशू नहीं कोई इशू देखिए थर्टी फर्स्ट दिसंबर दो हज़ार ग्यारह मशीने हमारे पास थी मशीनें की कॉस्ट थी वन लैख मैंने मल्टीप्लाई किया टेन परसेंट हुई गॉड टेन थाउजेंड थर्टी फर्स्ट दिसंबर दो हज़ार ग्यारह मशीन भी हमारे पास नहीं थी तो मैंने नहीं अप्लाई की टोटल इन दोनों को प्लस करके आती है हुई गॉट टेन थाउजेंड नेक्स्ट ईयर हमारे पास मशीन ए भी थी और एक मशीन और भी आ गई डेट इज बी तो मशीन ए की कॉस्ट है वन लैक मल्टीप्लाई बाई आएगी बेटा ठीक है

उस वैल्यू पे आ जाए जो हकीकत पर मबनी है अगर हमने कोई एसेड इस्तेमाल किया है तो उससे हमने फायदा उठाया तो वो फायदा उसमें से माइनस हो जाना चाहिए अगर हमने एक एसेड इस्तेमाल किया है तो उसकी वैल्यू में कमी आई होगी तो वो वैल्यू उसमें से माइनस हो जानी चाहिए और हमारा डेप्रिसिएशन क्या है किस्म का एक्सपेंस है एक फ्यूचर का एक्सपेक्टेड लॉस है कि अगर आप एक चीज बेचेंगे तो आपको लॉस होगा मतलब उसकी उतनी की नहीं जाएगी जितनी की कॉस्ट थी

डेशन जर्नल एंट्री डेप्रिसिएशन का मकसद क्या है हमारा कि की एसेड की वैल्यू भी कम हो जाए और प्रॉफिट भी कम हो जाए तो हमें प्रॉफिट को कम करना है ठीक है तो प्रोविजन फॉर डॉटफिट डेट में क्या होता था जब प्रोविजन आपका इंक्रीज होता था तो प्रोविजन फॉर डेट क्रेडिट हो जाता था और इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाता था जब भी प्रोविजन आपको इंक्रीज होता था जब भी आपका वो एक्सपेंस बनता था तो प्रोविजन फॉर डाउटफिट डेट क्या हो जाता था क्रेडिट हो जाता था और इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाता था तो यहां भी हम क्या करेंगे इनकम स्टेटमेंट को करेंगे डेबिट सर क्यों डेबिट करेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट कम हो जाए

डायरेक्ट रिसीवल को कम नहीं करते थे क्यों क्योंकि वो एक थी, एक सोच थी थी सोच ऊपर नीचे हम क्या करते थे और उस अकाउंट को प्यार से मैंने क्या कहा था कॉन्ट्राड अकाउंट तो यहां भी एक एस्टिमेशन है क्योंकि मैं परसेंटेज लगा रहा हूं आप देख ले हमारी सोच है कि इतनी वैल्यू गिर गई कंफर्म नहीं है तो मैं डायरेक्ट एसेट से माइनस नहीं कर सकता तो यहां भी हम क्या करते हैं एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट क्रिएट करते हैं तो दोबारा सुने एसेट को कम करना है तो एसेट को कम करने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है कॉन्ट्रा एसेट के नाम से नाम उसका होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो हम उस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं क्यों ताकि हमारे एसेट की वैल्यू क्या हो जाए कम हो जाए सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सॉरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से एक अकाउंट बनाया जाता है कॉन्ट्रेस्ट अकाउंट बनाया जाता है और उसको क्रेडिट किया जाता है क्यों ताकि हमारे एसेट की वैल्यू कम हो सके तो ये एसेट की वैल्यू को कम करने के लिए बनता है और ये प्रॉफिट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं इसका एक दूसरा नाम भी है इसका एक दूसरा नाम है अक्यूमिलेटेड डेप्रिसिएशन अक्यूमिलेटेड डेप्रिसिएशन इसका एक दूसरा नाम भी है ठीक है तो अभी मैं एक टी अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं कि हम डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट कैसे बनाते हैं तो दो अकाउंट हम ज्यादातर बनाते हैं एक अकाउंट बनाते हैं हम नॉन करंट एसेट का पेपर में सवाल आता है तो इसलिए मैं बनाना सिखा रहा हूँ नॉन करंट एसेट का अकाउंट नॉन करंट एसेट का अकाउंट का मतलब जैसे मशीनरी का अकाउंट हो गया इक्विपमेंट का अकाउंट हो गया तो इसका जो बैलेंस बी डी है कभी कभी सवाल में बैलेंस बी दिया होता है कि साल के शुरू में नॉन करंट एसेट इतने आ रहे हैं तो नॉन करंट एसेट हमारे लिए एसेट होता है इसका बैलेंस बीडी कहां आएगा मुझे बताएं नॉन करंट एसेट हमारे लिए एसेट होता है एसेट का नॉर्मली बैलेंस पी डी कहाँ आता है ट्रेड रिसीवेबल का कैश का आप लोगों ने बनाया होगा ना डेबिट साइड पे तो अगर पेपर में कभी कभार बैलेंस पी डी दिया होता है तो बैलेंस पी डी हम क्या करते हैं डेबिट साइड पे लिखते हैं ठीक है अच्छा उसके बाद हम क्या करते हैं कोई नॉन करंट एसेट अगर परचेस करते हैं नॉन करंट अगर हम कोई परचेस करते हैं तो हमारे नॉन करंट एसेट में इजाफा होगा तो उसको डेबिट साइड पे लिखते हैं ज्यादातर हम कैश में परचेस करते हैं चेक के जरिए पेमेंट करते हैं तो इसीलिए रेफरेंस में बैंक लिखते हैं अगर उधार पे खरीदेंगे तो फिर बंदे का नाम लिखेंगे ए बी सी पी क्यू आर लिमिटेड ये वो अच्छा एक चीज और लिख रहा हूँ ये मैं बाद में समझाऊंगा वो है डिस्पोजल लेकिन ये मैं समझाऊंगा बाद में आपको अभी नहीं सर ये क्या है आइडिया दे, दे देता हूँ जब हम मशीन खरीदते हैं तो मशीन बेचते भी तो होंगे ना जब हम मशीन खरीदते हैं तो एक वक्त आता होगा मशीन बेचते भी होंगे तो तो जिस टाइम मशीन हम बेचते हैं ना तो फिर उसकी को रिडक्शन सिंपल, सिंपल हो, तो हो, हो जाएगी मेरी नॉन करंट एसेट क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा उसकी कॉस्ट क्रेडिट साइड पर लिखूंगा क्यों ताकि मेरा बैलेंस सीधी सही आए तो ये आगे जाके वैसे ही समझाऊंगा मैं आपको दोनों साइड का हमने टोटल किया तो आगे हमारे पास आ जाएगा बैलेंस सी तो नॉर्मली इस तरीके से हमारे पास नॉन का अकाउंट बनाया जाता है ठीक है अच्छा उसके अलावा हमारे पास दूसरा अकाउंट कौन सा बनता है और जो पेपर में पूछा जाता है वो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो अभी मैंने बताया प्रोविजन...

शाबाश संजना बेटा संजना बेटा शाबास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का शाहबास बेटा सोचें थोड़ा सा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बैलेंस ये एसे थे। एसे थे का है का बिल्कुल अपोजिट है शाबास बेटा शाहबाश तो अगर इसका बैलेंस दिया हुआ वैसे वैसे भी हम सबको पता है अच्छा ये हमेशा क्रेडिट होता है जब भी हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे हमेशा तो ये हमेशा क्रेडिट होगा तो नॉर्मली ये क्रेडिट होता रहता है क्रेडिट होता रहता है तो बैलेंस बी उसी साइड आता है जो साइड ग्रेटर होती है तो हमेशा क्रेडिट ही होना है इसको तो हम क्या करते हैं नॉर्मली बैलेंस बी इसका क्रेडिट साइड लिखते हैं ये कॉन्ट्रा एसिड है तो हमारे पास क्रेडिट साइड आएगा उसके बाद हम क्या करते हैं क्रेडिट जो इस साल की डेप्रिसिएशन है जो आपने निकाली है वो हम क्रेडिट करते हैं जो ऊपर मैंने निकाली है ना अभी अगर आप पीछे सवाल में चले जाएं इनकम स्टेटमेंट एज ए रेफरेंस आ रहा है ये देखें ये आपने टोटल निकाला टेन थाउजेंड ये 2011 की डेप्रिसिएशन थी फिर फोर्टी थाउजेंड निकाला ये आपकी 2012 की डेप्रिसिएशन थी तो यहाँ हम क्या करते हैं जो डेप्रिसिएशन है वो क्रेडिट करते हैं ठीक है अच्छा इसमें भी एक चीज और है जो मैं बाद में इंशाल्लाह समझाऊंगा लेकिन अभी आइडिया देता हूँ वो क्या है जब हम किसी मशीन को बेच देते हैं ना जब हम किसी मशीन को बेच देते हैं तो जिस तरह उसकी कॉस्ट को ख़त्म करते हैं सेम एज तो उसकी डेप्रिसिएशन भी यहाँ आ रही होगी वो भी हमें ख़त्म करनी होती है वो भी हमें ख़त्म करनी होती है ठीक है लाइक टाइम अगर किसी का घर में इंतकाल हो जाता है तो उसकी अगर मैयत को हम घर से बाहर निकालते हैं कब्रिस्तान छोड़ कर आते हैं तो दिल से भी समाइम उसका ख्याल निकालना पड़ता है वरना उसकी याद आती रहेगी मसाइल होते रहेंगे अब ज्यादा डिटेल में तो जा नहीं सकता बताने का मतलब ये कि एक चीज आपकी जिंदगी से जा चुकी है तो उसको हर लिहाज से बाहर करें तो बिजनेस के अंदर भी जब हम कोई एसेट खरीदते हैं तो दो काम रोज दो काम हर साल होते हैं एक तो उसकी कॉस्ट है जो आपने यहाँ रिकॉर्ड की दूसरा उसकी डेपसन है जो यहाँ रिकॉर्ड की तो अगर एक चीज आप बेचेंगे तो उसकी कॉस्ट को भी हटाना है और उसकी डेप्रिसिएशन को भी हटाना है न रहेगा न रहेगा बा, बांस ना बजेगी बांसुरी वो एक एग्जाम्पल है तो ये मैं बाद में अलग से समझाऊंगा अभी फॉर्मेट के खातिर लिखवा रहा हूँ ठीक है एंड दोनों साइड का टोटल करके हमारे पास क्या आ जाएगा बैलेंस सीडी आ जाएगा ठीक है अभी टेंशन वगैरह नहीं, नहीं अभी हम आपको लंबे नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, अभी हल्का हल्का समझ रहा हूं यहां तक बातें क्लियर है सर आपको पहले तो ये बताए संजना बेटा कह रही है नहीं हमें बातें क्लियर नहीं है संजना बेटा क्या नहीं समझ में आ रहा मुझे बताएं डिस्पोजल समझ में नहीं आ रहा ठीक है बेटा डिस्पोजल मैं आपको आगे वैसे ही समझा रहा हूँ आप टेंशन नहीं लें अभी मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि अगर हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं तो हम क्या क्या एंट्रीज करते हैं डिस्पोजल का मैं आगे डिटेल में आपको बता दूंगा तो। अभी पहला डेप्रिसिएशन समझ लेते हैं वैसे ही डिस्पोजल में नहीं पढ़ा रहा लेकिन फॉर्मेट की वजह से मैंने आपको समझाया ठीक है सो यह कोशिश कर लेता हूँ एक सवाल कराने के बाद जो है ना आपको मैं आगे समझा देता हूँ तो अभी हमने ऊपर एक सवाल किया था मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ और मैं आपके सामने पहले मशीनरी का कॉस्ट अकाउंट बना रहा हूं कि वो कैसे बनेगी ठीक है हमने मशीनें हमने दो मशीन खरीदी थी तो ये मशीनरी का अकाउंट है ठीक है हमने जो पहली मशीन खरीदी थी कोई बैलेंस तो था नहीं तो फर्स्ट जनवरी 2011 को हमने मशीन ए खरीदी थी कितने की वन लैख की मैं यहाँ लिख दूंगा वन लैख और इसके आगे रेफरेंस में दूंगा बैंक ठीक अच्छा जी 2011 में मैंने कोई और मशीन खरीदी थी नो सर हर ये साल वाइज ईयर वाइज बनता है सर मैंने कोई और मशीन नहीं खरीदी थी तो मैं दोनों साइड का टोटल करूंगा एंड मेरे पास यहां आ जाएगा वन लैख यहां भी आ जाएगा वन लैख और वन लैख हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा और इसके आगे मैं लिख दूंगा बैलेंस सी और आगे जाके ये हो जाएगा बैलेंस हम ईयर वाइज बनाते हैं ये लाइक like 2011 के बाद हम क्या करेंगे क्लोज डाउन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास वन लैख ठीक है अच्छा अब नेक्स्ट ईयर है नेक्स्ट ईयर है नेक्स्ट ईयर 2012 था अगर आप चेक करें तो ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट जनवरी 2012 हमने एक और मशीन परचेज की थी थ्री लैख की तो यहां मैं लिख दूंगा थ्री लैख मशीन बी परचेज की थी अगर आप क्वेश्चन में जाएं यहां रेफरेंस में लिख दूंगा बैंक और फर्स्ट जनवरी 2012 उसके बाद हमने कोई भी मशीन परचेज नहीं की दोनों साइड का कर टोटल करूंगा टोटल करते वक्त हम सिर्फ इसको देखेंगे ऊपर वालों को इग्नोर कर दें इसको ऊपर वाली साइड नहीं देखेंगे ये नहीं देखेंगे ठीक है तो ये हो जाएगा वन लैख प्लस थ्री लैख कितना हो जाएगा फोर लैख ये हो जाएगा हमारे पास फोर लेख और बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा हमारे पास फोर लेक आ जाएगा ठीक है यहां तक बात क्लियर है मेरी कि मशीनरी का अकाउंट कैसे बनाते हैं ओके ओके अब आते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे बनाते हैं वो भी देख लेते हैं एक नजर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ठीक है अच्छा जी अच्छा सबसे पहले बैलेंस लिखते हैं लेकिन ये तो हमारा था ही पहला साल अगर पहला साल होता तो नॉर्मली बैलेंस नहीं आता फर्स्ट ईयर होता तो बैलेंस नहीं आता अच्छा यहाँ क्या आएगा डेप्रिसिएशन आएगी पॉइंट इज क्या आएगा डेप्रिसिएशन आएगी तो ऊपर जाए मुझे बताएं पहले साल की डेपेशन कितनी थी टोटल टोटल ये आपका पहला साल थार्टी फर्स्ट दिसंबर दो हजार ग्यारह टोटल कितना आया था दस हजार और नेक्स्ट ईयर की कितनी थी फोर्टी थाउजेंड तो पहले हम टेन थाउजेंड की एंट्री कर लेते हैं So, यहां हम लिखेंगे टेन थाउजेंड ठीक है हम हमेशा ये साल के आखिर में निकालते हैं तो थर्टी फर्स्ट दिसंबर और इसके रेफरेंस में लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट और दोनों साइड का हम क्या करेंगे टोटल करेंगे ये हो जाएगा वन लेख हमारे पास ये हो जाएगा वन लेख हमारे पास सेम टोटल आएगा और यहां हमारे पास बैलेंस सी आ जाएगा वन लैख सॉरी वन लैख नहीं होगा ये ये वन लैक नहीं होगा ये टेन थाउजेंड होगा आज पता नहीं क्या हो गया <laughs> जल्दबाजी में मैं मिस्टेक ज्यादा करवा रहा हूं अच्छा ये हो जाएगा टेन थाउजेंड ठीक है आगे जाके ये बैलेंस पीडी बनेगा और यहाँ आ जाएगा टेन थाउजेंड ठीक है अच्छा जी उसके बाद आगे चलते हैं सर नेक्स्ट ईयर कितनी डेप्शन हुई थी आपकी नेक्स्ट ईयर कितनी डेप्शन हुई थी ये आई थी फोर्टी थाउजेंड तो हम क्या करेंगे फोर्टी थाउजेंड यहाँ पे लिख लेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट जो है ना वो क्रेडिट होगा हमेशा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्या होगा बेटा क्रेडिट होगा जब भी हम डेप्शन रिकॉर्ड करेंगे तो ये देखेंगे मैं क्या कर करूँ टेन थाउजेंड क्रेडिट किया नेक्स्ट ईयर है तो नेक्स्ट ईयर मैंने क्या किया फोर्टी थाउजेंड मैंने क्रेडिट किया रेफरेंस में सर क्या आएगा इनकम स्टेटमेंट आएगा डेट हमेशा हम आखिरी लिखते हैं ठीक है और दोनों साइड का हम टोटल करेंगे दोनों साइड का हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा फिफ्टी थाउजेंड और यहाँ दिया जाएगा फिफ्टी थाउजेंड और बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल

डेन का अकाउंट कैसे बनाते हैं कॉस्ट का अकाउंट कैसे बनाते हैं यहां तक बताएं। टेंशन बहुत आसान टॉपिक है बहुत इजी टॉपिक है आहिस्ता आता हम काम करते जाएंगे ताकि चीजें समझ में आती जाए ठीक है बेटा तो अभी एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं वो आपने ट्राई करना आप पहले डेप्सन निकालिएगा ठीक है पहले जो है डेप्रिसिएशन फाइंड कीजिएगा सबसे पहले जो so, है टू हमने फर्स्ट जनवरी 2011 को मशीन ए बाई की कितने की डॉलर थ्री लेख की मशीन ए बाई की ठीक है अच्छा जी फिर हमने क्या किया नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर फर्स्ट जनवरी 2012 को हमने दूसरी मशीन थी मशीन बी वो बाई की कितने की डॉलर फाइव लेख की ठीक है और इसी 2012 में हमने फर्स्ट जुलाई को एक और मशीन बाई की मशीन सी डॉलर कर देता हूँ फोर लेख की ठीक है हमने तीन मशीनें बाई की एक बाइक थी दो में और बाकी हमने दो बाइक दो हजार में बाई की अच्छा इससे परेशान मत हुई हो गया कि, एक जनवरी कोई जुलाई को बाई की, की थी तो मंथली सिस्टम भी होता है लेकिन अभी आपने कोई मंथली मंथली कोई नहीं कुछ भी नहीं करना आप डायरेक्ट कॉस्ट पे परसेंटेज लगाएं डायरेक्ट कॉस्ट पे पर परसेंट लगाएं अच्छा जी आगे चलते हैं आगे हमारा रेट टेन परसेंट ऑन कॉस्ट टेन परसेंट ऑन कॉस्ट टेन परसेंट ऑन कॉस्ट मतलब दूसरी बात कैलकुलेट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट थर्टी फर्स्ट दिसंबर दो हजार ग्यारह एट एट थर्टी फर्स्ट दिसंबर दो हजार बारह आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है दो हजार ग्यारह को कितनी आई और दो हजार बारह को कितनी आई ये ट्राई करें तो हमारे पास तीन मशीनें हैं एक मशीन ए है एक मशीन बी है एक मशीन सी है तो सबसे पहले आते हैं थर्टी फर्स्ट दिसंबर 2011 उसके बाद आते हैं थर्टी फर्स्ट दिसंबर 2012 जी बेटा आप लोग ट्राई करें फिर मैं आपको बताता हूँ मुझे और टोटल का कॉलम भी बना लेते हैं करें तो देखें कैसे होगा काम। बच्चों ने कर लिया है वैसे। देखें। हम पहले के ऊपर आते हैं तो ए क्या थर्टी फर्स्ट दिसंबर दो हजार ग्यारह को हमारे पास था यसर यस था तो हमारे पास ए की कॉस्ट कितनी है थ्री लैख तो थ्री लैख पे आप लगाएं टेन परसेंट सर लगाया वी गॉट थर्टी थाउजेंड ये हमारे पास ए की आ गई बी नहीं था हमारे पास तो नो no डेप्रिसिएशन सी नहीं था तो नो no डेप्रिसिएशन टोटल कितना आ गया हमारे पास थर्टी थाउजेंड आ गया ठीक अच्छा जी थर्टी फर्स्ट दिसंबर दो हजार बारह बी हमारे पास था यस सर था तो बी की डेप्रिसिएशन सेम ही आए सॉरी ए, ए ए हमारे पास था यस सर था तो थर्टी थाउजेंड ही आएगी बी के ऊपर आते हैं सर कैलकुलेट करना पड़ेगा कर लेते हैं तो बी की कॉस्ट कितनी थी फाइव लेख मल्टीप्लाई बाय टेन परसेंट विक गॉड फिफ्टी थाउजेंड सर उसके बाद सी सर सी इसी साल खरीदा यस सर थर्टी फर्स्ट दिसंबर दो हजार बारह पे हमारे पास था यस yes, सर पर हमने जुलाई को खरीदा है तो देखिए हमारे पास डेप्रिसिएशन में दो तरीके हैं तो मैं पहला वाला तरीका यूज कर रहा हूँ मैं आगे उसको फर्दर भी गाइड कर रहा हूँ ठीक है उसमें हम फिर मंथ मंथ का चक्कर नहीं करते हम बस ये देखते हैं कि एक चीज अगर साल के एंड पे मेरे पास है वो और से सुनिएगा अगर एक चीज मेरे पास इस डेट पे है तो चाहे महीना हुआ है दो महीने हुए हैं तीन महीने हुए हैं मैं जस्ट परसेंटेज अप्लाई करूंगा उसको प्रोपोर्शन नहीं करूंगा जैसे हम प्रीपेड में करते थे ना प्रोपोर्शन वगैरह करते हैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा ठीक है वरना कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इसको मल्टीप्लाई बाय सिक्स अपॉन ट्वेल्व किया जाए मतलब आधी ली जाए डेप्रिसिएशन क्योंकि इसको छह महीने हुए हैं तो वो एक अलग मेथड है वो बाद में को थ्रू करेंगे ठीक है तो so अभी आते हैं हमारे पास फोर लैख मल्टीप्लाई बाय टेन परसेंट ये हमारे पास आ जाएगा फोर्टी थाउजेंड तो नेक्स्ट ईयर की जो डेप्रिसिएशन आएगी वो हमारे पास कितने आ जाएगी वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड आ जाएगी वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड आ जाएगी यहां तक बातें क्लियर है यहां तक बात क्लियर है वन बेटा तो, नेक्स्ट ईयर की जो है ना हमारे पास देखें ए ए हर साल लगती रहेगी जब तक मशीन सेल नहीं हो जाए जब तक मशीन सेल नहीं हो जाए अच्छा जी अब एक छोटा सा मैं नया सीन कर रहा हूं एक छोटा सा नया सीन कर रहा हूं इसी सवाल के अंदर कि 2013 में थर्टी फर्स्ट मार्च बिजनेस सोल्ड बिजनेस सोल्ड मशीन ए ठीक है बिजनेस ने क्या किया मशीन ए बेचती वो कितने की बेची वो हमें नहीं करना आती कितने की बेची अच्छा गौर से एक चीज सुनना गौर से करना मत सवाल को गौर से चीज करना थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार तेरह सॉरी थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार तेरह थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार तेरह बिजनेस ने क्या किया मशीन ए बेचती गौर से सुनना करना मत सवाल देखो जब हम कोई मशीन खरीदते हैं और बेचते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है ये आपने बेचा थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार तेरह को बेचा है यानी नेक्स्ट ईयर तीन महीने यूज करके बेचा है तीन महीने यूज करके बेचा है फर्स्ट जनवरी दो हजार ग्यारह को खरीदा बारह महीने यूज किया 2012 में 12 महीने यूज किया डेरसन भी पूरी आ गई लेकिन 31 मार्च 2013 को बेचा तो आपने तीन महीने यूज करके बेचा तो क्या किया जाए तो हम जो भी पढ़ रहे हैं रिसेंटली जो भी गो थ्रू कर रहे हैं वो है फुल ईयर पॉलिसी वो क्या है फुल ईयर पॉलिसी नहीं अभी करें फुल ईयर पॉलिसी अच्छी तरह समझ लेना बेटा आप टेंशन नहीं लें फुल ईयर पॉलिसी ये कहती है कि डेप्रीसिएशन फुल अप्लाई की जाएगी जिस साल आप खरीदेंगे इन द ईयर ऑफ परचेज फुल डेप्रिसिएशन हैज बी अपलाइड मैं लिख लेता हूं इन द ऑफ परचेज इन द ऑफ परचेज फुल डेप्रिसिएशन हैज बी अप्लाइड क्या मतलब क्योंकि तो जिस साल हम मशीन परचेज करते हैं ना तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपको दो महीने हो चुके होते हैं इस्तेमाल किए हुए साल के एंड पे कभी कभार ऐसा होता है कि आपको तीन महीने हो चुके होते हैं साल के एंड तक इस्तेमाल किए हुए लाइक यहां देखें हमने जो मशीन सी थी मशीन सी थी ये कब खरीदी थी फर्स्ट जुलाई 2012 को खरीदी थी तो थर्टी फर्स्ट दिसंबर दो तक आपको सिर्फ छह महीने हुए थे लेकिन हमने कोई प्रोपोशन वगैरह कुछ भी नहीं किया कि मल्टीप्लाई वै सिक्स अपॉन्टेल किया ऐसा कुछ भी नहीं किया क्यों क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा था फुल ईयर पॉलिसी इनडायरेक्टली पढ़ा रहा था तो फुल ईयर पॉलिसी ये कहता है इंपॉर्टेंस इज के मशीन एयर एन पे है, नहीं है। तो भले एक महीना हुआ हो दो महीने हुए, हुए, हुए तीन महीने हुए, हुए, हुए आपने क्या करना है cost को, cost को मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज के साथ बेस्ट और डेपन उठा के लिखते नहीं लेकिन लेकिन वो साथ में एक और चीज भी कहता है क्या कहता है दूसरी बट नो डेप्रिसिएशन नो डेप्रिसिएशन has ज टू बी अप्लाइड इन दर ऑफ डिस्पोजल इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल साथ में वो क्या कहता है कि जिस साल मशीनरी को बेचोगे जिस साल मशीनरी को बेचोगे उस साल डब्सन लगाओगे नहीं क्यों क्योंकि वो येयर एंड पे नहीं थी आपके पास भले दो महीने यूज किया हो तीन महीने यूज किया हो आपने नहीं लगानी अब जरा मैं आपको जरा समझाता हूं देखें देखेंगे दो हजार तेरह थर्टी फर्स्ट दिसंबर दो हजार तेरह सबसे पहले आते हैं मशीन ए के ऊपर मशीन ए क्या आपके पास थी सर इस डेट पे नहीं थी और इस साल हमने इसी साल हमने थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार तेरह को उसको बेच दिया था हमारे पास से जा चुकी थी इस डेट पे हमारे पास नहीं थी तो हम क्या यूज कर रहे हैं हम फुल ईयर पॉलिसी यूज कर रहे हैं फुल ईयर पॉलिसी क्या कहता है ईयर बिक चुकी थी ड्यूरिंग ईयर बिक चुकी थी तो आपने लगानी नहीं, है, है, लगा दी नहीं है तो हम क्या करेंगे यहां पर कुछ भी नहीं करेंगे डैश छोड़ देंगे सर इसके बाद मशीन बी पर आए इसका मतलब ये मशीन बी को अगर नहीं बेचा तो वो आप यूज कर रहे हैं तो मशीन बी की डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी फिफ्टी थाउजेंड आ जाएगी क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिर्फ मशीन ए ही बेची है मशीन सी पे आ हैं मशीन सी भी आप यूज कर रहे हैं तो मशीन सी की भी सेम डेप्सन आ जाएगी फोर्टी थाउजेंड और टोटल आपके पास डेप्सन आ जाएगी कितनी नाइंटी थाउजेंड अब मुझे बताएं क्या आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो मुझे बताएं फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं मैं जो आज आपको पढ़ा रहा था वो ये पढ़ा रहा था कि अगर हम डेप्सिन कैसे अप्लाई करते हैं Uh, मतलब यानी कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज के साथ cost को मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज के साथ एक तो ये फॉर्मूला मैंने सिखाया आज सेकेंडली मैंने बताया कि डेप्सन कब अप्लाई करते हैं ईयर एंड पे ईयर एंड पे ईयर एंड पे और एक पॉलिसी मैंने बता दी कि अगर एक मशीन मेरे पास इस ईयर एंड पे नहीं है मतलब आई हैव सोल्ड इट आउट ड्यूरिंग द ईयर तो मैं डेप्सन नहीं लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा इट यहाँ तक बात क्लियर है मेरी हम इसको कंटिन्यू करेंगे बेटा ये आगे चलेगा टॉपिक हमारा ये आज मैं क्योंकि टाइम लिमिटेड है और कोर्स भी हमें पूरा करना है जल्द अज जल्द तो इसीलिए थोड़ा सा स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक है अच्छा अब आ जाए बेटा जो संजना बेटा आपको मसला हो रहा था कि सर अकाउंट कैसे बनेंगे वो जरा हम को थ्रू कर लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम आते हैं कॉस्ट के अकाउंट पे कि मशीनरी का कॉस्ट अकाउंट कैसे बनेगा तीन सालों का अच्छे तरीके से देख लीजिएगा ये बना रहा हूं मशीनरी का कॉस्ट अकाउंट ठीक है ये मैं मशीनरी का कॉस्ट अकाउंट बना रहा हूं पेपर में ज्यादातर एक साल का बनाया जाता है तीन साल का नहीं बनाया जाता लेकिन ये समझाने के लिए मैं बना रहा हूं तो हमने पहली मशीन परचेज की थी फर्स्ट जनवरी को एंड आई थिंक सो में थी, मशीन थी कितने की थी थ्री लैख की थी मैं थ्री लैख लिख देता हूं ठीक है दोनों साइड का टोटल करेंगे ये ये हो जाएगा हम। ये हो जाएगा थ्री लेक। और कितना हो जाएगा हम थ्री लैख और बैलेंस थ्री लैख हो जाएगा ठीक है अब ये हमारे पास 2012 वाला साल आ गया 2012 में हमने क्या किया था दो मशीनें परचेज की थी अगर आप देखें सवाल को जाके ये देख लें दो मशीनें परचेज की थी फाइव लेख की थी और एक फोर लेख की थी ठीक है सो हम आगे चलते हैं एक हमारे पास फाइव लेख की थी और एक फोर लेख की थी 2012 में 2012 में रेफरेंस में क्या आ जाएगा बैंक और जो रेलिवेंट डेट है हम वो लिखेंगे लाइक एक क्या के आगे फर्स्ट जनवरी दूसरे क्या के आगे जुलाई टोटल करेंगे दोनों साइड का ये हो जाएगा हमारे पास वन लैख सॉरी ये हो जाएगा वन मिलियन टू हंड्रेड थाउजेंड ये हो जाएगा वन मिलियन टू हंड्रेड थाउजेंड और उसके रेफरेंस में आ जाएगा बैलेंस CD. यहां तक बातें क्लियर है मेरी और ये आगे बन जाएगा बैलेंस बी डी अब गौर से सुनिएगा अब गौर से सुनिएगा जनवरी 2013 ठीक है, है और ये था फर्स्ट जनवरी 2012 अब गौर से सुनिएगा बेटा जो इम्पोर्टेंट चीज है इस 2013 में मैंने कोई नई मशीन नहीं खरीदी आप देख लें 2013 के अंदर मैंने कुछ भी नया नहीं किया कुछ नया नहीं खरीदा मतलब कोई परचेज नहीं किया लेकिन एक मशीन मैंने बेच दी कौन सी मशीन बेच दी मशीन ए बेच दी मशीन ए को मैंने सोल्ड आउट कर दिया तो सर, सर अब क्या करेंगे तो जब एक मशीन को जब हम खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट को क्या करते हैं डेबिट उसकी कॉस्ट को क्या करते हैं डेबिट तो जब मैं उसकी उस मशीन को बेच दूंगा तो मैं उसकी कॉस्ट को क्या कर दूंगा मुझे हटाना होगा ताकि दुनिया को बता सकूं कि अब मेरे पास जो माल पड़ा है वो वन मिलियन टू हंड्रेड थाउजेंड नहीं है वो वन मिलियन टू हंड्रेड थाउजेंड नहीं है बल्कि इसमें से एक मशीन मैंने दोबारा बेच देता हूं तो उसकी जो कॉस्ट मेरे पास आ रही है उसकी जो कॉस्ट मेरे पास आ रही है मैं उसको क्या कर दूंगा बेटा क्रेडिट कर दूंगा मैं उसको क्या कर दूंगा क्रेडिट कर दूंगा तो यहां पर मैं क्रेडिट साइड पे थ्री लैक लिख दूंगा

और ये हो जाएगा वन मिलियन टू हंड्रेड थाउजेंड ये हो जाएगा वन मिलियन टू हंड्रेड थाउजेंड और बैलेंस सीडी आ जाएगा हमारे पास कितना नाइन लेक आ जाएगा यहां तक मेरे साथ है बेटा दोबारा देख लें मशीनरी का अकाउंट कैसे बनता है जो चीज मैं खरीद रहा हूं डेबिट साइड पे लिख रहा हूं पहले साल एक ही मशीन खरीदी थी तो थ्री ईयर दो मशीनें खरीदी थी तो फाइव लेकिन थर्ड ईयर में मैंने एक मशीन बेची है तो ये कॉस्ट बनता है सारा अकाउंट तो जो उसकी कॉस्ट है मैं क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा बेटा तुम्हारी बात सही है संजना बेटा जब हमने सेल आउट किया होगा तो हमने तो महंगा बेचा होगा उसको तो ये जो अकाउंट है गेन एंड लॉस को नहीं शो करता दिस अकाउंट शो द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी विच यू हैव इट द द कॉस्ट ऑफ़ मशीनरी अकाउंट क्या बता रहा है कि थर्ड ईयर में जो आपके पास माल बचा, उसकी थी, तो उसकी सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा है तो वो हम यहां नहीं लिखते उसकी डिस्पोजल अकाउंट बनता है वो कल मैं बताऊंगा उसमें हम लिखते हैं ताकि गेन एंड लॉस फाइंड हो सके वो यहां नहीं आएगा जी बेटा संजना बेटा मेरी बात क्लियर है ठीक है ओके अब आते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट उस पार्ट की तरफ आते हैं जो कि हमारे पास है कि सर डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे बनेगा वो एक नज़र देख लें अब ये और से देख लीजिएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ठीक है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारा पहला साल है 2011 सो बैलेंस बी डी तो कोई है नहीं हमारे पास पहला साल था तो हम लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट और 31 दिसंबर 2011 पे जो टोटल डेप्रिसिएशन आई थी टोटल वो हम यहाँ लिखेंगे टोटल आपने अभी टेबल बनाया होगा तो आप मुझे देख के बता सकते हैं थर्टी फर्स्ट दिसंबर दो हजार ग्यारह पे जो टोटल एप्शन थी हमारे पास वो कितनी थी वो ये थी थर्टी थाउजेंड तो हम थर्टी थाउजेंड जाके लिख लेंगे ठीक है तो हम लिख लेंगे थर्टी थाउजेंड एंड टोटल करेंगे दोनों साइड को ये हो जाएगा थर्टी थाउजेंड ये हो जाएगा थर्टी थाउजेंड और बैलेंस सीरी कितना आ जाएगा थर्टी थाउजेंड आ जाएगा अच्छा डेट बैलेंस सीडी के साथ हमेशा वो लिखते हैं कौन सी थर्टी दिसंबर लिखते हैं तो मैं टाइम की वजह से ऐसा नहीं कर रहा और बैलेंस बीडी के साथ क्या लिखेंगे जनवरी लिखेंगे क्योंकि हमारा साल कब शुरू होता है जनवरी से ठीक है अच्छा नेक्स्ट ईयर है अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा सेकेंड दो है हमारे पास तो 2012 हजार दिसंबर 2012 आपने ऊपर डेप्रिसिएशन निकाली थी टोटल इफ आई रिमेंबर तो जहां तक मेरा ख्याल है आप सब लोगों ने वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड फाइन किया था वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड फाइन किया था देख लें ये सेकेंड ईयर की है है तो मैं दूंगा ठीक हो जाएगा 1, 20, अब क्या करेंगे सर दोनों साइड का टोटल दोनों साइड का टोटल ये हो जाएगा वन लाख फिफ्टी थाउजेंड ये हो जाएगा वन लैख्टी थाउजेंड और बैलेंस कितना हो जाएगा हमारे पास वन लैख फिफ्टी थाउजेंड और आगे जाके बैलेंस बी डी कितना हो जाएगा वन लैख फिफ्टी थाउजेंड यहां तक बात क्लियर है मेरी एनी इश्यू ठीक है बेटा सब बताएं मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही वानिया बेटा सब बताएं ओके ओके अच्छा अब आते हैं थर्ड ईयर में थर्ड ईयर में आपने टोटल एबसेंट फाइंड की थी देख लें टोटल डेप्थेंस कितनी आई थी हमारे पास 90000 आई थी तो हम 90000 ही लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट में आपकी टोटल डेप्थन जाती है ठीक है बेटा तो हम लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट और यहां लिख देंगे 90000 ये हमारी इस साल की डेप्थन थी अच्छा बस एक छोटा सा काम इस साल हम करेंगे एक छोटा सा काम हम करेंगे क्या से गौर से देखना गौर से समझना अभी ऊपर ही मैंने एक बात की थी कि जब एक मशीन हम बेचते हैं तो उसकी कॉस्ट हमारे पास यहां पे आ रही थी वो हमें रिमूव करनी होगी ताकि दुनिया को हम बताएं कि जो माल हमारे पास बचा उसकी कॉस्ट ये है है ठीक तो हमने क्या किया तीन लाख जब खरीदते वक्त डेबिट किया था तो तीन लाख को हमने क्या किया क्रेडिट भी किया तो यहां पर डेप्रिसिएशन में क्या है ये जो मशीन थी ना तीन लाख की उसकी डेप्रिसिएशन यहां पर आ रही होगी हर साल और हम सबको है फर्स्ट ईयर में कितनी आई थी थर्टी थाउजेंड क्योंकि तीन लाख की थी टेन परसेंट कितना आ गया थर्टी थाउजेंड सेकेंड ईयर में कितनी आई होगी थर्टी थाउजेंड और थर्ड ईयर में तो हमने लगाई गई थी ठीक है तो जो मशीन हमने खरीदी थी उसकी डेप्रिसिएशन भी हर साल आ रही होगी तो ये डेप्रिसिएशन अकाउंट से जिस तरह उसकी कॉस्ट को हमने यहाँ से रिमूव किया है सेम एज उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो भी यहाँ से रिमूव करेंगे यहाँ से हटाएंगे सर क्यों सर हटाएंगे क्योंकि ये बैलेंस सीरी क्या होता है आपकी एसएफपी में जाता है ये जो बैलेंस आपकी SFP में जाता है और ये बैलेंस सीडी क्या बता रहा होता है कि जो मशीन हमारे पास इस डेट पर है, उनकी depreciation, उनकी depreciation. तो जब जब पर पर आप आप बैलेंस निकालेंगे तो यहां पर जब आप शो करेंगे, अगर आपने नहीं किया, तो उस मशीन की शामिल हो जाएगी, जाएगी. हालांकि दो मशीन है A को आपने सेल आउट कर दिया बी और सी आपके पास आ रही है तो अगर कॉस्ट भी बी एंड सी की आ रही है तो डेपन भी किसकी आगेन बताऊं जब एक मशीन को बेच देते हैं तो जिस तरह उसकी कॉस्ट को हम रिमूव करते हैं सेम एज उसकी डेप्रिशन को भी हम रिमूव कर देंगे मेरी बात समझ में आ रही है ताकि जब एक फिजिकली एक चीज मेरे पास नहीं है एक फिजिकली मेरे पास एक चीज नहीं है तो बुक्स में भी उसकी कोई चीज नहीं आनी चाहिए वो दोनों रिमूव हो जानी चाहिए अदरवाइज क्या होगा वो मैन्यू प्लेट करेंगे दूसरी चीजों को देखो अगर मैं गाड़ी है मैं गाड़ी सेल आउट करूंगा तो गाड़ी के कागजात भी दे दूंगा मैं उसका क्या करूंगा मुझे बताएं जब गाड़ी नहीं तो मैं उसके कागजात का क्या करूंगा तो जब मैंने मशीन को बेच दिया तो मुझे उसकी डेप्शन को यहाँ क्यों रिकॉर्ड क्यों नोट किया हुआ है मुझे हटा देना चाहिए अदरवाइज वो मेरे बैलेंस सीडी का पार्ट बनेगा और उल्टा इन नाइन लेक में से वो माइनस हो रहा होगा आगे जाके ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा तो जिस तरह हम एक मशीन बेच देते हैं उसकी कॉस्ट को हम हटा देते हैं तो सेम एज उसकी डेप्रिसिएशन को भी हम क्या कर देंगे रिमूव कर देंगे ताकि बुक से वो बिल्कुल हट जाए तो सर कितनी डेप्शन उसकी हुई थी कितनी डेप्शन हुई थी ये हम यहां पर मैंने आपको टेबल बनाया था हम यहां पर चेक कर लेते हैं कि उसकी टोटल डेप्शन कितनी हुई थी उस मशीन की तो देखते जाए पहले साल कितनी की आपने थर्टी थाउजेंड ईयर कितनी की थर्टी हो सिक्सटी तो उसकी टोटल पहले साल की थर्टी थाउजेंड नेक्स्ट ईयर की और ये आपकी क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के तो ये टोटल सिक्सटी होगा रिमूव आउट करना होगा सो हम यहां पर क्या करेंगे 60, 000, 60, 000 डेबिट साइड पे लिखेंगे और उसके बाद दोनों साइड का हम टोटल करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे सिक्सटी थाउजेंड विल गेट वन लैख एटी थाउजेंड वन लैख एटी थाउजेंड ये हमारे पास हो जाएगा बैलेंस सीडी और ये आगे बनेगा बैलेंस डीडी डी जी बेटा यहां तक तो बात बताएं समझ में आ रही ही नहीं आ रही पहले तो ये बताएं ओके ओके गाइस क्या ख्याल है सवाल दे दो छोटा सा मैं आपको अच्छा अब ऐसा है कि आप इस वीडियो को एक बार दोबारा गो थ्रू कर लीजिएगा आप इस वीडियो को एक बार दोबारा गो थ्रू कर लीजिएगा मैं आपको सवाल यहां दे रहा हूं उसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप वीडियो को दोबारा गो थ्रू कीजिएगा और जो चीज समझ में नहीं आई वो मुझसे पूछ लीजिएगा मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ आपने सेम मशीनरी का अकाउंट बनाना है और एक डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है ये दो अकाउंट बनाने मैं आपको सवाल लिख कर दे रहा हूँ वो आपको थ्रू कर लीजिएगा